सो हेलो एवरीबॉडी, तो गाइस स्वागत है एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि मुझे लगता है कि यार ये आना ही चाहिए, और अगर ये आती है तो गाइस गजब का माहौल हो जाएगा क्लैश ऑफ क्लैंस में। तो गाइस क्या आपको जानना है कौन कौन से अपडेट्स आने वाले हैं, तो गाइस देखते रहो इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी फटाफट से दबा देना, ठीक है। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट वाले के ऊपर। नंबर वन, स्पेल फैक्ट्री इन बिल्डर बेस। यस गाइस, आपने सही सुना, स्पेल फैक्ट्री इन बिल्डर बेस। तो गाइस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक स्पेल फैक्ट्री, एक पर्सनल स्पेल फैक्ट्री, वो भी बिल्डर बेस के अंदर। तो अब मुझे गाइस पता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि और बोलेंगे कि भाई साहब यहाँ पर अगर ये स्पेल फैक्ट्री आता है तो ये जो स्ट्रेटेजिक गेम है ना, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बिल्डर बेस वाला। तो बिल्डर बेस में अगर ये आता है तो ये काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। तो गाइस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार ये अभी के अभी आनी चाहिए इसी अपडेट में, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि गाइस एक और दो लेवल बढ़ जाए, ठीक है, BHK एक या फिर और दो लेवल ऐसा अपडेट आ जाए ना BHK, तो ये अगर आता है स्पेल फैक्ट्री तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस स्ट्रैटेजी का थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए। और साथ ही साथ आपको तो पता ही, अगर नया BH आएगा, नया बिल्डर हॉल आएगा, तो उसके साथ ट्रूप्स भी आएंगे। तो उसी के साथ साथ गाइस अगर ऐसा होता है कि एक स्पेल फैक्ट्री भी हमें मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गाइस अगर आपको मैं समझाऊँ सिंपल वर्ड्स में तो गाइस आपको तो पता ही है अभी हमारे पास जो मैक्स वाला BH है वो है लेवल 9 का, जो कि BH9, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अगर ये स्पेल फैक्ट्री आनी चाहिए तो कभी आनी चाहिए, कौन से लेवल पे आनी चाहिए, तो गाइस मेरा आंसर है BH11 पे, ठीक है। अब मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन अगर गेम को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है तो गाइस ये वाला जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, या फिर BH10 में भी हो सकता है, ठीक है। तो गाइस आपका ओपिनियन क्या है मुझे ज़रूर से नीचे कमेंट करके बताना। अगर स्पेल फैक्ट्री आती है तो आपको कौन से लेवल के BH में चाहिए, कौन से लेवल के बिल्डर हॉल में चाहिए, नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दो। नंबर टू, ट्रूप स्वैप। तो गाइस बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, बहुत हद से ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। तो गाइस जैसे कि आपको पता है हम लोग करेंटली दो ट्रूप्स आर्मी को ट्रेन करके रख सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आपको दूसरी वाली आर्मी यूज़ करनी होगी तो आपको पहली वाली जो आर्मी है उसको पूरा का पूरा हटाना पड़ेगा। आप लोग उसको बिना हटाए दूसरे वाले आर्मी को जो कि पहले से अंडर ट्रेंड है उनको आप लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो गाइस ये वाला जो फीचर है ना, इससे क्या होगा, इसको आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बटन है, अगर आप लोग इस बटन को दबाते हो तो ये जो ट्रूप्स होंगे ना ये एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो अंदर वाला जो आर्मी है जो कि ट्रेन होकर पड़ा हुआ है वो आगे की तरफ आ जाएगा, जिसको आप लोग करेंटली यूज कर सकते हो, और जो आपके पास पहले से ट्रेंड हुआ था जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा था वो आपके एडवांस ट्रेंड में चले जाएगा, मतलब उसको आप लोग दूसरे अटैक में यूज कर सकते हो। तो गाइस ये जो फीचर है ना ये काफी जगहों पर यूज हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग समझ लो आपके पास है दो वॉर अटैक्स, तो दोनों वॉर अटैक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी लगेगी, आप लोग के पास दोनों अलग अलग ट्रूप कंपोजिशंस है, तो गाइस आप लोग क्या करोगे यहाँ पर, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सबसे पहले ये वाला अटैक करना चाहिए ये वाला नहीं, तो समझ लो गाइस आपके आर्मी कैंप में है दूसरे वाले बेस का ट्रूप कंपोजिशन आर्मी, लेकिन आपको अटैक करना है एक दूसरे बेस पे, तो गाइस तभी आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस वाले बटन को दबाओगे और इससे क्या होगा आपकी जो आर्मी है वो अदल बदल हो जाएगी, और आपकी जो एडवांस वाली ट्रेंड आर्मी थी वो सबसे ऊपर आ जाएगी, एंड फिर आप लोग अपने मनपसंद आर्मी से अपने मनपसंद बेस को उसी टाइम पर अटैक कर सकते हो। और गाइस ये जो फीचर है ना ये नॉर्मल अटैक्स पे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग समझ लो एक अटैक आपको करना है ट्रॉफी पुश करने के लिए और दूसरा अटैक करना है ट्रॉफी ड्रॉप करने के लिए। मुझे पता है ये आपको बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, लेकिन ये बस एक एग्जांपल है, ठीक है, आप लोग इसको अपने तरफ से कैसे भी करके मॉडिफाई करके आप लोग अपने आप को समझा सकते हो। तो यहाँ पर गाइस मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि भाई अभी मुझे ट्रॉफी ड्रॉप वाला तो नहीं चाहिए, अभी मुझे ट्रॉफी एक बार पुश करना है, लेकिन अभी आपके पास जो करंटली आर्मी ट्रेंड है वो है गाइस
ट्रॉफी ड्रॉप करने वाली, जैसे कि काफी लोग यूज करते हैं आर्चर वगैरह, है ना, तो वो सारे ट्रेंड है। लेकिन आपको अभी करना है ट्रॉफी पुश करने के लिए, और जो ट्रॉफी पुश वाली आर्मी है वो है एडवांस ट्रेंड में। तो गाइस आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये वाला जो फीचर है, अगर ये वाला बटन दबाते हो तो गाइस यहाँ पर आपकी जो आर्मी है वो अदल बदल हो जाएगी, और आपकी जो पुश वाली आर्मी है वो आगे करंट वाले में आ जाएगी, और आपके जो आर्चर्स है वो पीछे चले जाएंगी, मतलब वो एडवांस ट्रेंड में चले जाएगी, जिससे जो आपका डिमांड है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो गाइस ये था इस वाले फीचर का ब्रीफ समरी। तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, नंबर 3 क्लैन गेम्स। तो गाइस अभी आप लोग बोलोगे भाई क्लैन गेम्स में ऐसा क्या चाहते है तू, तो गाइस अभी मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हूँ। सो गाइस क्लैन गेम से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ऐसी आती है कि भाई यहाँ पर एक ही सेक्शन है जिसमें आपको दिखते हैं अलग अलग तरह के टास्क जो कि आपको कंप्लीट करना होता है क्लैन गेम्स पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पर दोनों ही होम विलेज प्लस बिल्डर बेस, ये दोनों ही जगहों के टास्क को मिलाकर रखा जाता है, और यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही चीज़ है कि बिल्डर बेस वाले जो टास्क होते हैं उसके बॉर्डर पे, उस वाले टास्क के बॉर्डर पे तारे जैसे कुछ बने होते हैं, जैसे कि डार्क कलर होता है थोड़ा सा, है ना, तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हम लोग कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि भाई मैं कन्फ्यूज हुआ हूँ, मैंने यहाँ पर दबाया है एक टास्क को, ऐसा समझ लो आप लोग, समझ लो कि मैंने एक टास्क को दबाया, मैं समझ के चल रहा हूँ कि भाई ये जो टास्क है ये है बिल्डर बेस के लिए, लेकिन गाइस ये जो टास्क है ये निकलता है होम विलेज के लिए। जैसे कि आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि बिल्डर बेस प्लस होम विलेज दोनों में सिमिलर चीज़ें हैं, तो कभी कभी गाइस ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसीलिए गाइस ये जो फीचर है ये आता है सामने। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है एक होम विलेज के लिए सेक्शन और एक बिल्डर बेस के लिए सेक्शन, जिसमें अलग अलग तरह के टास्क अलग अलग सेक्शन में बढ़ जाते हैं। दो सेक्शन है हमारे पास, एक है होम विलेज एक है बिल्डर बेस, तो ऐसे दोनों सेक्शन में दोनों जगह के टास्क बढ़ जाते हैं, जिसके मदद से गाइस बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है और बहुत ही कम गलतियां होने के चांसेस होंगे यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर दबाएंगे होम विलेज पे तो होम विलेज के सारे टास्क विजिबल हो जाएंगे, और अगर हम लोग दबाएंगे बिल्डर बेस पे तो सारे के सारे बिल्डर बेस के ही टास्क आएंगे। तो यहाँ पर गाइस हम लोग गलत चॉइस तो कर ही नहीं सकते यहाँ पर, मतलब गलती से कोई भी हम लोगों ने टास्क उठा लिया और वो बाद में पता चल रहा है कि ये कुछ और ही है ना, तो ऐसा गाइस यहाँ पर नहीं होगा। तो ये है इसका खासियत। तो गाइस ये फीचर आपको कैसा लगा मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, नंबर 4 रीप्ले बार। तो गाइस ये जो रीप्ले बार है, मुझे लगता है कि ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैंने आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था कि यार ये कैसा होगा। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ कि यार ये होगा कैसा, कैसे ये फंक्शन करेगा। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रीप्ले टाइम बार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो रीप्ले जो टाइम बार है ये गाइस एक ऐसा फीचर है जिसमें से आप लोग अपने अटैक रीप्लेस को, अपने वॉर रीप्लेस को आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, या फास्ट कर सकते हो। फास्ट तो पहले से होता है, स्लो भी होता है। तो यहाँ पर गाइस आप लोग इसको अपने मन मुताबिक कहीं पर भी कोई भी टाइम पॉइंट पर जाकर देख सकते हो। जैसे कि आप लोग समझ लो आप लोगों ने एक रीप्ले देखना शुरू किया और आप लोग बीच में पहुँच गए उस रीप्ले के, लेकिन गाइस आपने कुछ गलती करके उसको काट दिया गेम को, और आपको वो रिप्ले पूरा देखना था, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वापस जाओगे उस रिप्ले को फिर से देखोगे, फिर से इंतज़ार करोगे कि भाई कब उस पॉइंट पे आप पहुंचोगे जब आपने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। तो गाइस ये इंतज़ार करते करते ना बहुत ही ज़्यादा बोर भी होने लगता है, कभी कभी तो हम लोग गेम को ही काट देते। तो लेकिन ये जो फीचर है गाइस इसमें क्या होगा, इसमें आपको एक टाइम बार मिलेगा, जैसे आप लोग अभी YouTube पर देख रहे हो मुझे, और अगर आपको मेरे जो वीडियो को है वो आगे बढ़ाना है तो आप लोग स्क्रीन पर टैप करोगे एंड वहां पर एक पूरा बार आ जाएगा, उसमें आप लोग आगे या पीछे कर सकते हो। तो गाइस ये जो फीचर है ये भी एकदम सेम है, इसमें आप लोग अपने मन मुताबिक ये जो रिप्ले है इसको आगे या पीछे एकदम 1 सेकंड में कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप लोग सारा का सारा चीज़ें देख सकते हो, ये कैसे चीज़ें काम करती हैं, आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है ये टाइम बार। तो गाइस मुझे लगता है ना ये जो अपडेट है ये आज नहीं तो कल वाले अपडेट्स में तो आ ही जाएगा, ठीक है। मुझे तो गाइस ऐसा बहुत ज़्यादा 100% 200% पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये अपडेट आ सकता है। गाइस आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे पता है यार 4 ही मैंने ऐसे अपडेट दिखाए जो कि आनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में
कम से कम 5 तो दिखाई दूंगा आपको, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस फटाफट से लाइक कर दो, अगर आपको ये और ज्यादा पसंद आई तो यार इसे सारे के सारे क्लैशेस के साथ शेयर कर दो गाइस फटाफट से। एंड गाइस आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो गाइस फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि गाइस ऐसी अमेजिंग वीडियो ना कोई नहीं बनाता आज के टाइम पे, ठीक है, सिर्फ तुम्हारा भाई बनाता है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, मिस नहीं करना एक भी वीडियो। तो गाइस मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए प्ले गेम्स, स्टे कॉमेडियन, ऑलवेज बी गेमडियन, पीस आउट।